हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अपिला अपडेट। सो जैसे कि मैं एक अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए अभी लेटेस्ट। सो मेरे पास अभी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस भी ऐसे डली हैं यूट्यूब पर, जिसमें ये कहा गया है कि जो CUET के एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी तक इसकी डेट्स नहीं आ रही है और वो पोस्टपोन हुई जा रही है। इसके पहले CET के भी ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गए थे, उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया गया था। फिर DAVV ने और बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको CUET के अंदर डाला था। सो इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि एक्चुअल जो मुद्दा है, यहाँ पर बात है वो क्या है, जिसकी वजह से लोग ये सब बातें कह रहे हैं। ठीक है, तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारी मिथ्स दूर हो जाएं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए कि क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। सो जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसे डले हैं, मैंने भी देखे, उन्होंने मुझे लिंक भी दी जिसके अंदर ऐसा मेंशन किया गया है कि CUET जो है वो कैंसिल होने वाली है स्पेशली फॉर UG कोर्सेज। ठीक है, और PG कोर्सेज का भी उसमें कुछ क्लेरिफिकेशन आया नहीं था, बट PG कोर्सेज़ के लिए मैं आपको बता दूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कल ऐसी न्यूज़ आई थी कि उसके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म की। इसके पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट थी वो सिर्फ 18 जून तक थी, बट उसको बढ़ाकर 4 जुलाई तक कर दिया गया है, ऐसा हमें न्यूज़ में देखने को मिला है। सो अभी तक जैसा कि जो एग्ज़ाम डेट है CUET की वो नहीं आ रही है, उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है मैं आपको बता दूँ, उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ब्लॉग के ऊपर जिसको मैं क्लेरिफाई करूँगा आपको, जिसके थ्रू। सो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश किया था, जिसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि CUET बिकम्स सेकेंड बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, 9.14 लाख रजिस्ट्रेशन, 87 यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड। ठीक है, सो इसके अंदर ऐसा बताया गया था कि इस बार जो CUET है इसमें 9.7 लाख बच्चों ने एनरोल किया है, जो कि सबसे हाईएस्ट यहाँ पर आपका एनरोलमेंट है CUET के लिए, क्योंकि इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एडुकेटी 87 आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो इस बार जो है बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया है इसके ऊपर, हमारे NTA के ऊपर। अगर हम डेट शीट की बात करें, एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो उसमें एक चीज़ की क्लेरिफिकेशन बताई गई है कि जो हमारा JEE मेंस है वो आपको पता है कि जून और जुलाई दो सेक्शन में कवर करने की इस बार गवर्नमेंट ने सोची है। ठीक है, उसकी डेट्स भी लॉन्च हो गई है और आपको पता भी है कि जून में एक सेशन है जो कि हमारा 22 से 26 तक के बीच में होगा लगभग, और दूसरा ऐसे ही सेम जुलाई में भी होगा। ठीक है, ये हो गई हमारे JEE मेंस की एग्ज़ाम, जो कि सबसे नंबर वन एग्ज़ाम होती है, सबसे फर्स्ट नंबर पर एग्ज़ाम होती है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर पर एग्ज़ाम है हमारी NEET की, उसको भी 17 जुलाई को शेड्यूल किया गया है। जब आप उसको इंटरनेट पे चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, वो भी हमारा कौन कंडक्ट करवाएगा, NTA। तो NTA के पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे दो अपने JEE मेंस के पेपर कंडक्ट करवाने हैं जून और जुलाई के, उसमें भी 4-4 दिन लगेंगे, 4-4 स्लॉट्स होते हैं 4 दिन के, और चारों दिन में 2-2 स्लॉट्स होते हैं, तो वो पूरे पूरे दिन भरे होते हैं, उसके मैनेजमेंट में बहुत टाइम लगता है। उसके साथ साथ 17 जुलाई को भी यहाँ पर हमारा NEET का पेपर देखने को मिलेगा, तो उसके मैनेजमेंट में भी NTA को अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभानी है। उसी के साथ साथ जो थर्ड नंबर यहाँ पर एग्ज़ाम आ गई है वो आ गई है हमारी CUET। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे है यहाँ पर CUET, इसलिए से थोड़ी सी कम प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि एडमिशन्स के लिए जो JEE मेंस और NEET की एग्ज़ाम है जिसको बहुत टाइम से रुका गया था उसे कंडक्ट करवाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो NTA है वो अभी ज़्यादातर उस तरफ डेडिकेटेड है, इसीलिए अभी CUET के एग्ज़ाम की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। हो सकता है थोड़ा सा और इसकी डेट आगे बढ़ाई जाए, इन द सेंस कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसको खींच दिया जाए हमारी PG कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो, और UG कोर्सेज़ की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इसको या तो बहुत जल्दी रख दिया जाएगा जुलाई के मंथ में, या तो फिर इसको भी अगस्त में खींचा जाएगा, बिकॉज कि यहाँ पर 17 को आप NEET की एग्ज़ाम देखेंगे और एग्ज़ाम सेंटर्स हर सिटी में बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया है, और वहीं से आपको JEE मेंस के बच्चे भी मिलेंगे, वहीं से आपको NEET के बच्चे भी मिलेंगे। सो दोनों टाइप के बच्चे आपको दोनों दोनों जगह से मिलेंगे, तो उसके कारण एक ही सेंटर अलॉट कर पाएगा NTA, ज़्यादा कंप्यूटर सेंटर्स नहीं मिलते उनको हर पर्टिकुलर सिटी में। सो जो प्रोबेबली यही हो सकता है कि जो JEE मेंस वो जुलाई में भी कंडक्ट होंगे 22 से 26 के आसपास तक, और यहाँ पर 17 जुलाई को जुलाई में ही NEET की एग्ज़ाम भी है। सो अगर UG कोर्सेज़ की बात करें तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही भर गए थे, सो हो सकता है 17 के पहले CUET के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी जाए कुछ डिफरेंट सेंटर्स के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक में इसको खींचा जाए UG कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो। अगर NTA इसको साथ में कंडक्ट नहीं करवाना चाहती तो उसको अगस्त के फर्स्ट वीक में PG और UG कोर्सेज दोनों को एक साथ रख दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम PG कोर्सेज़ की बात करें स्पेसिफिकली, तो हो सकता है इसको अगस्त तक खींच दिया जाए, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए, बिकॉज आप देख भी सकते हैं कि जो उसके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है उसको आगे एक्सटेंड कर दी गई है, बहुत सारे बच्चों से मिस्टेक हो गई थी तो वो लोग भी अपना करेक्शन करवा सकते हैं, अब वापस एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अभी कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुई है, आपको अपना प्रिपरेशन चालू रखना है।
और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगी। सो ये जो बैच है, मैं आपको स्क्वायर में पहले भी बता चुका हूँ, इस बैच के अंदर सिर्फ वही बच्चे एनरोल कर सकते हैं जिनकी सिलेबस में या फिर जिनके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट में, आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है वर्बल एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारे इंग्लिश का सब्जेक्ट है। इंग्लिश के अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये है सेकंड चीज़। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिक रीजनिंग, ये वाले जो पोर्शन है लॉजिक रीजनिंग के और रीजनिंग के क्वेश्चंस, ज़्यादातर ये पीजी कोर्सेज में है जो कि हमारे एमबीए के लिए हो रहा है। सो अगर आप उसके स्टूडेंट्स हैं तो आप इसके अंदर ये एनरोल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिस और भी डिफरेंट कोर्सेज जिसके अंदर ये वाले ही चैप्टर्स हैं, ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो वो भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। पहले हमने सोची थी कि लाइव क्लास लेंगे तो सिर्फ सुपर 30 बैच रखेंगे, बट क्योंकि अब अलग अलग टाइम पर बच्चों को चाहिए तो हमने इसको रिकॉर्डेड रखा है और लाइव डाउट सेशंस रखे हैं। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 30 स्टूडेंट से ज़्यादा भी, क्योंकि उसकी आपको लिंक दी जाएगी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में, जिससे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।